Sir, wait. Wait. मुझे जल्दी थी, मुझे वहाँ करना था मैंने साइड स्क्रीन लिया है। बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। अभी हम पांच है, टू ग्रैंड पेरेंट्स, मी माय सिस्टर एंड लिटिल लक्ष। वो अपने नर्सरी में सो रहे हैं। यस, इधर हो, इधर हो। कब हम दर्शन मतलब हम देख पाएंगे उनको? अभी तो बहुत छोटे हैं, तो अभी कुछ महीने तो लगेंगे। आई एम वेरी सुपरस्टिशियस, मैं नज़र और सब चीज़ों में बिलीव करता हूँ, तो मैं बच्चे को कैमरे के सामने या बाहर नहीं ले जाऊँगा। वेदर भी बहुत ख़राब है अभी। मैंने कभी करेज के बारे में सोचा नहीं। जस्ट योर पैटर्नल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जब आप रेडी होते हैं, मतलब मेंटली आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ आप बनने के लिए रेडी हैं अभी, देन यू वांट टू गो अहेड विद इट, वेदर यू वांट टू गेट मैरिड और यू वांट टू हैव अ सिंगल पेरेंट, दैट्स ईच टू हिज ओन, बट यू हैव टू बी मेंटली रेडी। एंड आई थिंक आई वाज मेंटली रेडी लास्ट ईयर व्हेन आई मेट डॉक्टर फिरोजा पारे। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हर एंड ओवर माय फादरहुड। कई लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है, इस प्रोसीजर की पिता भी मतलब एक मैन भी ऐसा कर सकता है, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज या क्या चीज़ कुछ अगर आप बताना चाहें? Yeah, this, we've gone through all the legal formalities and we've done it with complete legality. Dr. Firoza Parekh Jaslok Hospital is the place where I went into the IVF and the surrogacy procedure. So they will be able to tell you all the legalities that come together with this procedure, and we followed everything as per the law. And it's wonderful that in India also now, not just me, there are tons and tons of men and women who are trying to be single parents and doing so successfully. But Tushar, you single parent, like why, what prompted you ki aapko single parents hi aana hai and why you have to go for this procedure? It's just your own internal instinct. Main Tirupati gaya tha last year ek din, aur Tirupati matlab ke darshan hone ke baad main nikla to meri mulaqat ek Prakash Jha se hui, jo नामी फिल्मी डायरेक्टर है, और वो मेरी फ्लाइट में ही थे, तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये भी एक तरीका है, यू वांट टू हैव अ चाइल्ड एंड यू वांट टू बी अ सिंगल पेरेंट, यू कैन फॉलो दिस प्रोसीजर। उन्होंने मेरी मुलाकात एक फैमिली से कराई जहाँ उन्होंने IVF और सरोगेसी के प्रोसीजर को फॉलो किया है। सो आई फेल्ट वेरी इंस्पायर्ड, आई फेल्ट आई वॉज रेडी। मैं 40 साल का होने वाला हूँ कुछ ही महीनों में, तो मुझे लगता है कि मैं सही मोड पर हूँ अपनी ज़िंदगी के, टू बी अ सिंगल पेरेंट। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, सारी मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग सिंगल पेरेंट्स होते हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल अडॉप्ट। आई रियली रिस्पेक्ट अडॉप्शन एंड रिस्पेक्ट पीपल हू अडॉप्ट, बट आई डिडंट वांट टू अडॉप्ट, आई वांट टू हैव माय ओन चाइल्ड, एंड दैट्स व्हाई आई वेंट टू दिस प्रोसीजर। सारे जिन लोगों से मेरे साथ मैंने काम किया है, जिन लोगों को मैं रोज़ मिलता रहता हूँ, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, सब ने मुझे विश किया है, सब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है,
अभी फारा से बात हुई एंड फिरोजा वॉज फाराज डॉक्टर ऑल्सो एंड शी गेव ट्रीटमेंट्स सो फाराज ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एंड सबके मैसेजेस आए हैं आई एम नॉट गॉन ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आई नो सोशल मीडिया इज टू टायरिंग राइट नाउ इट विल बी रियली रियली हार्ड फॉर मी टू रियली फॉलो अप ऑन एवरीबॉडी इन सोशल मीडिया बट जो भी SMS कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर रहे हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ दे बी वेरी इंकरेजिंग दे बी वेरी पॉजिटिव यू ऑल ऑफ यू इन द मीडिया यू हैव बीन वेरी सपोर्टिव आप लोगों को मैं रोज़ मिलता हूँ या तो PVR में या तो किसी लॉन्च में या किसी फिल्म की प्रमोशन में यस और आप लोग हमेशा मेरा आप लोगों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है बहुत साथ दिया है मेरा आज भी जो मेरे मेरी जिंदगी का इतना इतनी इतना अहम मौका है और इतना इंपॉर्टेंट है यू हैव बीन वेरी सपोर्टिव सबके कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे हैं एंड मुझे लगा कि मैं मीडिया से बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी अभी स्टेटमेंट दिया है और कुछ कहने कहना बाकी है नहीं क्योंकि मैंने अपने स्टेटमेंट में सब कुछ जाहिर कर ही दिया है लेकिन आप लोग मतलब यू आर वांटेड टू कम होम सो मेहमान भगवान समान होता है तो इसलिए आई एम टॉकिंग टू यू अरे एक मिनट लेकिन कौन कौन ऐसे लोग थे कि नहीं ये बात पहले से मालूम ओनली माई फैमिली इसके अलावा ओनली माई फैमिली कितना खुश मैं हूँ एकता इज टू एक्साइटेड शी इज अ बुआ नाउ एंड शी इज द हैप्पीएस्ट वुमन राइट नाउ एंड शी इज मोस्ट एक्साइटेड इज अ बेबी इज अ जेमिनाई इज अ जून बेबी एंड एकता इज अ जून बेबी हरसेल्फ सो शी सेइंग शी कीप सेइंग ही इज माय ट्विन थैंक यू थैंक यू इशा का फैन रुकिए कैसा होगा मतलब एनी मतलब फेस्टिविटीज और कुछ सेलिब्रेशन कुछ मिठाई अभी तक कुछ सोचा नहीं है सेलिब्रेशन के बारे में जब होगा तो आप तक उनको आमंत्रित करूँगा डेफिनेटली मैं यू आर लाइक माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी हैव बीन टुगेदर इन दिस इंडस्ट्री फॉर मैं 16 साल से आप लोगों को देखकर आया हूँ और आप मेरे साथ रहे हैं यू आर अ पार्ट ऑफ माय फैमिली एंड लक्ष्य इज पार्ट ऑफ योर फैमिली ऑल्सो लक्ष्य कपूर माई सिस्टर का तो नहीं यस दैट्स माय सिस्टर्स सजेशन और कुछ अंदर की बात सो रहा है उसके सोने का वक्त आ गया है आप लोग ज़्यादा आवाज़ करेंगे तो उठ जाएगा थैंक यू आई एम द आई एम द केयर टेकर मी एंड माय पेरेंट्स एंड एक जी आई डोंट रिवील द डेट ऑफ बर्थ राइट नाउ आई विल shortly tell you about the date of birth but he came home a week back abhi ek saal hua hai ye mera matlab taiyari abhi se kar rahi hai nahi abhi se koi taiyari nahi hai matlab tujha last kab darshan kiya specifically hum even getting so and can we spot the prince wait acha let him get grow up a little bit 2-3 mahine ho jane do let him be little let him get healthier and let him like you know be able to come out because you know जब तक 3 महीने के होते हैं बच्चे यू नॉट सपोज टेक देम आउट बिकॉज इट्स यू बी वेरी केयरफुल एंड द वेदर इज वेरी 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 बैड राइट नाउ सो आई कीप माई चाइल्ड एज प्रोटेक्टेड एज पॉसिबल लाइक ऑल बेबीज शुड बी सो व्हेन इज 3 months ओल्ड फॉर श्योर सो आपने अभी कैसे तैयारी शुरू की बॉय पेरेंटिंग आप अभी अपने आप कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं I got all my assistance from my mother. She trains me. She took care of me and my sister. So now she's training me to take care of my son. Of course. Yes. Thank you. I do everything. I 9 months से मैं सीखता आया हूँ. Thank you. Tusha. Short. ये गिरेगा अरे क्या अरे यार अगेन साइन है क्या तिथे जाऊ देना का है यार ज्यादा ट्रांसफर है चलो यार इनो में भी चलेगा प्लीज थैंक यू दे दे सर सर सर